हेलो हेलो, माइक चेक, पहले से आराम है? हाँ, सही आ रही है ना आवाज़? बस अब ठीक है, शॉर्ट लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो ईद का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। ईद के व्लॉग एडिट करने के बाद और अपलोड करने के बाद तकरीबन मुझे 12 बज गए थे दोपहर के। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया था व्लॉग में, तकरीबन लोग सोते हैं, तो वो जब से मैं सो रहा हूँ, तो आज ईद का तीसरा दिन है, लास्ट डे ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो ईद और बोरियत, ये ईद के साथ ना ब्रैकेट में लिखना चाहिए बोरियत। ईद वो दिन लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, तो क्योंकि उसके बाद कोई एक्टिविटी करने को होती नहीं है। अब आपके पास कोई एक्टिविटी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं होती ईद वाले दिन। तो सोने के बाद आज कुछ होश में आए, वरना अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींद में ही व्लॉग बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि आज कुछ हमने अपने पुराने दोस्तों को कॉल्स किए हैं, तो एक बार फिर से आपका भाई व्लॉग देने वाला है। आज ईद का तीसरा दिन है, क्योंकि फर्स्ट डे भी बोरियत में गुजर गया तकरीबन, और सेकंड डे भी बोरियत में ही गुजर गया, क्योंकि कोई एक्टिविटी करने को मेरे पास तो नहीं थी सिवाय सोने के, और वो मैं सो लिया। अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींदों में ही हूँ। तो अब चलते हैं, सेकेंड व्लॉग ईद का आने वाला है। ब्लैक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की भंबार हमारे साथ खड़ी है। भाई अब्दुल्ला भाई है, ये माशाल्लाह ऑपरेशन से पैदा हुआ है। भाई मैं तो घर में हुआ था। वाह वाह, ये राजू एक गोल मारा रे, डब्बे का गोल नहीं है ये, जा महिला ये चाहिए कि कराची में कुछ मेहमान नवाज आए, तो थोड़ा मोबाइल वगैरह छीन लिया भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिलीनियर हो, तो कैसे हैं आप सब? और आज हम हमेशा की तरह आज भी एक नए मिलीनियर से आपको मिलाना चाह रहे हैं, और ये एंटरप्रेनर हैं हमारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शादियत भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं सर कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको पता है मैं तो चाय वाला हूँ, सही है, और मिलीनियर हूँ। अच्छा। मिलीनियर हूँ, कनाडा में ज़मीनें हैं, डोमेन बेच बेच के मैंने ये हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये कमाए। तो आप, अरे ये नहीं बोलना था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने काम का आगाज़ कैसे शुरू किया? मैंने काम का आगाज़ अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू करा है, और पहले हम प्रॉपर्टी का काम करते थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ नहीं देना, एक्सक्यूज़ नहीं देना, हाँ एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी जल्दी कर ले, सुबह काम पे जाना है। भाई अभी तो यही कर रहे हैं काम, अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है, इसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारे शर्मीले हैं, मैं इनकी हिस्ट्री मैं खुद आपको बता देता हूँ। ये शादियाज भाई हैं, कुछ साल पहले इन्होंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया और दबा के प्लॉट बेचे हैं लोगों को, क्लाइंट। ये अच्छा, ये फ्रॉड तो नहीं थे? नहीं, मतलब ये काट देना काट देना, मतलब अब क्लाइंट देख ना लेना, वीडियो में पकड़ने आ जाएंगे यार आपने हमें दिला दिया। तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट में दबा के प्लॉट बेचने के बाद इधर अपने कच्चे के इलाके के अंदर, कच्चे के इलाके के अंदर। अच्छा, ये इलाके का इंतखाब आपने कैसे किया? इलाके का इंतखाब ऐसे किया कि ये पूरा अभी कच्चा पड़ा हुआ, इसलिए गाइज डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल चलता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई। क्यों? इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा गेम नहीं है, इन्होंने जब ये स्टार्टअप इसी वजह से डाला। जी बिल्कुल। और कितने टाइम में आपका काम चल गया? मेरा डालते के साथ ही चल गया, डालते के साथ ही चल गया। अच्छा आजाद भाई, ये बिल्कुल कोई हेड के लिए नहीं था, जस्ट फन के लिए हमने ये किया है। तो अगर हैशटैग आजाद चाय वाला, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम, आप बड़े अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ऐसी कंटेंट बना रहे हैं, मैं खुद आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेटेड हुआ हूँ। मैं जब भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। गरीब हो, गरीब हो। इसके साथ ही मैं आपको मिलाना चाहूंगा, शादियत भाई का इंट्रो तो आपने देख चुका, अब माय फेवरेट ब्लैक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की भंबार हमारे साथ खड़ी है। भाई अब्दुल्ला भाई है, ये माशाल्लाह ऑपरेशन से पैदा हुआ है। भाई मैं तो घर में हुआ था। जी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी क्या कैसी गुजरी आपकी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सो के गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन सो के ही गुजरी। बस ये है कि कराची में कुछ मेहमान नवाज आए थे, थोड़ा मोबाइल वगैरह छीन लिया भाई, हालात थोड़े खराब है। मोबाइल छीना और क्या क्या छीना? बस मोबाइल ही गया फिलहाल, तो केश था नहीं क्योंकि ईदी वगैरह मिली नहीं थी। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारा मोबाइल, भाई का मोबाइल छीना, समी भाई का, उनको आपका नाम ब्लैक टेक्नोलॉजी कैसे पड़ा? भाई ब्लैक टेक्नोलॉजी इस तरह बड़ा टेक्नोलॉजी दुनिया में हमने जब पहला कदम रखा था ना, तो दूसरा कदम अब्दुल्ला भाई ने डायरेक्ट चांद पे रखा था, इसी वजह से हमारा अब चांद पे रोशनी होती नहीं है, क्योंकि वो तो सूरज की रिफ्लेक्शन मार के आती है ना, इस वजह से हमारा नाम ब्लैक टेक्नोलॉजी पड़ गया। अभी ये आपको इंट्रो वगैरह तो करा दिया, इसके बाद अभी नीचे पट्टी गेम हो जाएगी, पट्टी लगी है,
यार पट्टी पट्टी समझ लो, राड गेम समझ लो, अब लड़कियों को समझ नहीं आएगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। दूसरा पट्टी के अलावा स्नोकर है हमारी वीडियो देखती है अबे यार, आते हैं कमेंट भाई, फरमाइश आई है कि ब्लॉग बना दो, लड़कियों के नाम से आईडी बना के कमेंट जोर जोर से बोल के सबको बता दे स्कीम, सबको बता दे यानी स्कीम। अब भाई अभी नीचे आएंगे, गेम्स वगैरह कुछ खेलेंगे, एक दो लड़के हमारे और आने वाले हैं, नमाज पढ़ने गए, उसके बाद एंजॉय। कुत्तों का फड्डा हो गया, कुत्तों का फड्डा हो गया कच्चे के लागे में, जूम कर कुत्ते लड़का, कुत्तों का मालिक के सामने बैठा हुआ मालिक को बैठा हुआ देवर है देवर राजू, क्या खोपड़ी फोड़ने का रे बाबा, ये राजू एक गोल मारा रे, डब्बे का गोल नहीं है ये, जा महिला ये शादिया, ये मेरा भाई हो भाई, शिफ्ट चेंज कर दिया रे बाबा, शिफ्ट चेंज कर दिया रे बाबा, ये खोपड़ी फोड़ने का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है गाइस, और बहुत सारी आवाम इधर आई हुई है, ये देखें कितनी सारी आवाम आई हुई है मैच देखने के लिए। मैं पट्टी भी खेलती, बहुत इंजॉय किया शादियाज भाई के पास, अब हम वापस जा रहे हैं, बहुत मजा आया। हाँ भाई कौन जीत रहा है तुम दोनों में से? मैं जीत रहा है, टसल लगी हुई है, हार रहा है, जीत रहा है, अभी देखते हैं आखिर में होता है क्या, ठीक है, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट ग्रुप में इंशाल्लाह सनवे में।